कांग्रेचुलेशन। गुब्बारे वगैरह भी फोड़वा दूं तेरे से आजा। चल फोड़। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस लास्ट व्लॉग में आपने देखा हम नोएडा आए हुए लक्ष्य भाई घर पे। तो आज का हमारा सीन ऐसा है, आज हम जा रहे हैं फ्लाइंग बी सर के पास उनसे मिलने के लिए। वो दिल्ली आए हुए थे तो काफी टाइम हो गया उनसे मिले भी नहीं थे हम, तो अब चलते हैं। तीनों भाई रेडी हो चुके हैं। आप वैसे मिले उनसे कभी फ्लाइंग बी सर से? नहीं भाई, मेरी बस कॉल पे ही बात हुई है। अच्छा, फर्स्ट टाइम मिलेंगे। और आज हम होवर बोर्ड भी लेके जाएंगे, हो सकेगा तो उसको ठीक करा लेंगे। होवर बोर्ड हमने डाल दिया, अब चलते हैं। भाई गाड़ी गंदी कितनी यार, गाड़ी धुलवानी भी है मेरे को, बहुत ही ज्यादा कीचड़ के छीटे छीटे हो गए। देखना अब की बार के दिल्ली ट्रिप में हम एक यूट्यूबर से नहीं मिल पाए, जो कमेंट भी कर रहे थे कि आप उनसे मिलोगे मिलोगे, ट्रिगर्ड इंसान पीयूष के फेवरेट। तो वैसे प्लान हमारा बन रहा था, दो बार प्लान बना, वो फिर कैंसिल हो गया। वो बिजी हो रहे थे, हम बिजी हो रहे थे, हम ट्रिप पे चले गए, फिर वो भी ट्रिप पे चले गए। वो नैनीताल आए थे और हम वहाँ पे थे नहीं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे। और मेरे सारे कपड़े खत्म हो गए थे तो लक्ष्य भाई ने अपनी जैकेट दी मुझे। तो फिलहाल हम पहुंचने वाले फ्लाइंग बी सर के घर पे। तो भी पहुंच गई गाड़ी, यहाँ पार्क कर दिया, अब चलते हैं। तो पीयूष टेबल याद करने में लगा हुआ है भाई, 20 तक पूरी याद कर ले। अरे नहीं, खुद खुलेगी। चलो यहीं से चलते हैं, चलो सीढ़ियों से ही चलते हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो रही है हमको। अरे कितनी ऊपर जाना है? नमस्कार सर। तो ये फाइनली सर से मिल चुके हैं। सर कैसे हो? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू, सेफ है। पीयूष तो बस ऐसे घूमे जा रहे हैं, जेल का पहाड़ तो याद ही होगा, क्या पूछो। नीचे ही पूछ रहा था। 13 त्रिजा बता था पीयूष। तो भी सर ने हमारे लिए जूस मंगाया था, एक ऑरेंज, एक मिक्स और एक पाइनएप्पल। तो ये मैम और रस्सी तो है नहीं, वो मार्केट गए कहीं शॉपिंग करने के लिए, फिर कभी मिलेंगे उनसे। इतने बड़े गिलास में चीयर्स। कैसे पकड़ते हैं? अरे मुझे ऐसे ही पकड़ना आता है। कैसे? एक मिनट रुको, ऐसे। अरे ये हल्का क्यों है, भारी? प्लास्टिक का हो, पहले से हिलाते हैं। प्लास्टिक है ना? प्लास्टिक है, प्लास्टिक लग रहा है। नहीं प्लास्टिक है। तो अभी सर से मिल लिया है, काफ़ी सारे बातें हुई, काफ़ी सर ने बताया कुछ पूछना था मुझे। तो अभी फिलहाल निकलते हैं, सर को भी कहीं जाना है तो सर का ऑफिस देखते हैं। सही है यार, यहीं पे लेते फोटो, बाहर अच्छे हैं। यहाँ पे ले यार, ना यहाँ स्टूडियो। तो साहिल लगा रहे टाइमर सबकी फोटो खींचने के लिए। तो आते हैं भाई जल्दी से, हम हल्दवानी। सर से मिल लिया बहुत टाइम के बाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें की। फिलहाल चलते हैं, थैंक यू सर मिलने के लिए, थैंक यू सो मच। तो सर से तो मिल लिया है, अब हम जा रहे हैं श्लोक भाई के स्टूडियो में। पीयूष का गेमिंग पीसी उठाना है वहाँ से, क्योंकि हमको कल वापस हल्द्वानी के लिए निकल रहे ना, तो गेमिंग पीसी ले आते हैं और फिर कल सुबह सुबह हम निकल लेंगे। तो गाइस आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया, इधर से उधर, दिल्ली में तो यही है, इधर से उधर ट्रैवल करने में पूरा टाइम निकल जाता है। तो पहुंच गए श्लोक भाई के स्टूडियो में। क्या हाल चाल यार? ओ फिंगरप्रिंट टेस्ट करा आपने? मतलब सही चल रहा है? तो भैया ने अच्छे से टेस्ट वेस्ट कर लिया है, गेम वेम मस्त चल रही है। तो अभी गेम वेम खेलेंगे थोड़ा बहुत, देखते हैं कैसा, कल लेके जाएंगे फिर इसको। कल हम सुबह सुबह निकल रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि अभी ले जाते हैं इसको। हाँ सुबह 5 बजे निकलने का प्लान है। अरे अब यार तू निकल जाएगा यार, हमारे लिए 5 बजे सोने का प्लान होता। अब इसको घर पे सेटअप करना है ऐसी। इसने सिर्फ माइनक्राफ्ट के लिए ही लिया है, बाकी जीटीए वीडियो तो मैं नहीं खेलने दूंगा इसको। और सिर्फ इसको मैं 1 घंटा दूंगा, सिर्फ 1 घंटा। अब इसको पैक करा ले क्या? सौरभ भैया ने बोला है बस 1 घंटा, बस 1 घंटा मिलेगा, वो भी मेरे रूम में, इसके रूम में भी नहीं रहेगा, मेरे रूम में आएगा 1 घंटे के लिए बस, वो भी अगर पढ़ाई करेगा तो। टेस्ट कर लिया, बट अभी मैं कह रहा था कि मेरे कीबोर्ड और माउस का है, अब ढूंढ रहा भी वो मिल ही नहीं रहे। फाइनली मिल चुके हैं। तो भी पीयूष का गेमिंग पीसी डाला जा रहा है गाड़ी में। एक दो चीज पैरों में भी आ जाएगी। अरे आ जाएगी, सब आ जाएगी, हम 3 जने हल्का है। अरे ये तो वैसे ही आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, या पीछे आ जाएगा ये तो आएगा, नहीं आएगा। अरे ये आएगा, क्यों नहीं आएगा? सबसे भारी है ये। इसकी सीट के ऊपर रख, सीट के ऊपर रख। तो सामान भर दिया हमने, चलो अभी रह गया बहुत सारा, वो देख क्या रह गया, आगे आ जाएगा। कोई नहीं आगे आ जाएगा। तो अभी गाइस पीसी वीसी ले लिया है,
और अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए कहीं बाहर। टेक बनियर भैया के एक पार्टनर है नील, तो उनके पास जा रहे हैं गुड़गांव। मेरी थार स्टूडियो के बाहर खड़ी है, तो अभी आते हुए मैं ले लूंगा क्योंकि उसमें पीसी पड़ा है ना। और लक्ष्य भाई भी आज साथ में ही है, तो बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं बोरिंग नहीं, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को। और भूख भी बहुत लग रही है, बिकॉज सुबह परांठा खाया था और उसके बाद दिन में जूस पिया था, बस कुछ खाया भी नहीं आज सुबह से। 2 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में, इधर ट्रैफिक हो रहा था। ऐसे लग रहा है जैसे फॉरेन से आए हो कहीं से। ये मस्त मस्त लग रहा है, मतलब शर्मा रहा है, शर्मा रहा है। कांग्रेचुलेशन फॉर 1 मिलियन। थैंक यू सो मच भाई। 11 मिलियन होने वाले, फर्क भी नहीं पड़ता। कितने पे तो काउंट खत्म हो गया था कि आप अभी नहीं कितना। मैंने 1 मिलियन के बाद छोड़ दिया था। सो मेनी योर टाइम इज अराइविंग। पीयूष क्या खाना खाओगे? दाल पनीर या हॉर्लिक्स डाल दो दूध में। अबे केक काटते हो सोनू? हां कंग्रेचुलेशन। तो अभी पार्टी वार्टी हो चुकी है और डिनर भी हो चुका है, अभी कुछ शूट कर रहे हैं। पेमेंट की बात कर ले, पेमेंट की बात कर ले जा। नहीं भाई, बिना पेमेंट के काम नहीं होता, बिना पेमेंट के नहीं। आप बैंक अकाउंट दे, अब तो मैं ट्रांसफर करता हूँ। अब डायरेक्ट बात होगी, डायरेक्ट बात होगी। प्लीज यार मिटा दे यार नाम, प्लीज। तेरे चक्कर में मैम से गद्दारी कर लू मैं? मेरा लिखा वो पत्थर की लकीर। हंसना नहीं है, सिर्फ दुखी होना है। तेरा नाम लिखा हुआ है ना? 3, 2, 1। सुन, तेरे पास 2 ड्राइंग हो क्या? क्या? हाँ है। मैं दोनों हाथों से ड्रॉ करता हूँ। वो गिर गया। सुन, तेरे पास 2 ड्राइंग हो क्या? क्या? एक मेरे को दे दे। मैं दोनों हाथों से ड्रॉ करता हूँ। थोड़ा सीरियस होके बात कर यार, प्लीज एक दे दे। पर मैं तो दोनों हाथों से ड्रॉ करता हूँ। प्लीज यार भाई नहीं यार। नहीं मेरे तो बहन है। यार भाई नहीं है क्या? अबे यार सही हो रहा था। ओहो फाइनली पेमेंट तो मांग ले। नील को बुलाओ जरा। नील नील नील, ये पेमेंट सेटलमेंट की कुछ बात हो रही है जरा। मेरे गोदी में उठा के गुब्बारे तोड़वाए थे यार उससे। वो पैसा तो पैसा होता है। चलो कितना करना है? मेरे पेट्रोल डलवा दे कार में फुल। नहीं नहीं वो तो 70 डलवाता है। थोड़ा करिए, इतने मोटा बराबर तो दीजिए। बच्चा है, कंपनी ग्रो कर रही है, अभी मत रोकिए आप तो मोदी सरकार। करिए करिए जल्दी करिए, इतना टाइम नहीं है। चलो मैं ATM जाके निकाल के आता हूँ, आजकल कैश नहीं रखते ना। कब से डिमोनेटाइजेशन हुई तब से सारा पैसा गायब हो गया सर। ये पकड़ो रे। आए तो हम ऐसे डिनर करने के लिए थे, बट सेलिब्रेशन भी हो गया। तो कंग्रेचुलेशन फॉर 1 मिलियन। पालत है यार, वो पलट पलट बनाता है। हाँ मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, मतलब तुम भी फ्रेम में आ जाओगे, मैं भी फ्रेम में आ जाऊंगा। ऐसे सब सीखना है मुझे। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। तो अभी लक्ष्य भाई घर पे पहुंच गए हैं और आते पहले तो चाय पीते हैं, इसके बाद फिर एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। हल्की सी नींद भी आ रही है, बट एडिटिंग करके ही सोऊंगा मैं, क्योंकि सुबह हमको कल निकलना है। तो अभी गाइस रात के 2:16 हो चुके हैं, एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और पीयूष हो चुका है, साहिल ने सोया अभी फिलहाल। आज आपने देखा, आज फ्लाइंग बीच सर के घर पे गए थे, उनसे मिला, काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिल के काफ़ी दिनों के बाद। और होवर बोर्ड ठीक नहीं हो पाया बिकॉज वो करोलबाग में होता था, तो काफ़ी दूर था तो हम वहाँ नहीं जा पाए, बिकॉज हमको श्लोक भाई के स्टूडियो में जाना था। तो वहाँ से हम गेमिंग पीसी ले आए, फिर हम पार्टी में गए, वहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ, वो सब अनप्लान था, वो तो एमिंग गए और हो गया। और काफ़ी मतलब क्रिएटिव पीपल से मिला और काफ़ी यूट्यूबर्स से मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को ही मिलता है सबसे मिलके, अलग ही एक्सपीरियंस होता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो बस यही था आज के इस ब्लॉग में, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो पहुंच गए लक्ष्य कह रहा हूँ, लक्ष्य कह रहा हूँ, वाह।
अब लक्ष्य भाई गया तो ना, तो लक्ष्य भाई गया तो पहुंच गए श्लोक भाई के स्टूडियो में। I just wanna go my own way.